तो हमने भी उनको चैलेंज किया कि आइए आजमगढ़, आजमगढ़ आपको मौका मिला था, आपने क्या किया, और एक साल जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमने क्या किया, ये जनता आपको बताएगी, आइए मैदान में। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव को यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने हाल ही में लोकसभा चुनावों के लिए यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 51 पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसके बाद आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाए जाने पर दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आने वाले चुनावों के लिए खुली चुनौती दी। साथ ही आजमगढ़ में हो रहे विकास कार्यों और प्रगति के बारे में भी कई बातें कहीं। अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने मुझे एक बार और अवसर दिया है आजमगढ़ का सेवा करने के लिए और यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें अगर मैं आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद नहीं दूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ टिकट फाइनल हुआ है उसके पीछे आजमगढ़ की देवतुल्य जनता है, क्योंकि जितना भी सर्वे हुआ उसमें आजमगढ़ की जनता ने कहा कि हमें दिनेश लाल यादव ही चाहिए, तो इसलिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेज दिया है। और आजमगढ़ की जनता ने ये देखा है कि हम लोगों ने जो वादा किया था कि आप हमको एक डेढ़ साल का जो मौका है वो दे दीजिए, जो कभी नहीं हुआ है वो आजमगढ़ में हम करके दिखाएंगे। और आजमगढ़ की जनता ने जब मौका दिया तो आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ जुड़ गया, विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन गया, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ में अभी जो रेलवे, नई रेलवे लाइन है वो बिछ रही है, आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये सब एक साल में जितना काम हुआ है यहाँ कमल खिलने के बाद, इस बात से आजमगढ़ की जनता भी खुश है, और इसलिए जनता ने हमें फिर से मांग लिया और पार्टी ने हमको यहाँ भेज दिया। अखिलेश यादव जी ने भी चैलेंज किया है पीडीओ को मजबूत करने की, लगातार बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमने भी उनको चैलेंज किया कि आइए आजमगढ़, आजमगढ़ आपको मौका मिला था, आपने क्या किया, और एक साल जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमने क्या किया, ये जनता आपको बताएगी, आइए मैदान में। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ उन्होंने आपको बताया कि क्या रणनीति? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, कोई आए तुमको लड़ना है, डट के लड़ना है, और जैसे तुम लड़ते हो वैसे ही लड़ना है। तो उनका आदेश पहले भी था तो लड़े थे, और अब फिर आदेश मिला फिर लड़ेंगे। आजमगढ़ में यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हर पार्टी यहाँ यादव प्रत्याशी को टिकट देने के पक्ष में रहती है। दिनेश लाल यादव को बीजेपी ने तीसरी बार आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हराया था। हालांकि 2022 में इसी सीट पर हुए उपचुनाव में निरहुआ सपा प्रत्याशी को हराकर सांसद बने थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव इसी सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट मानी जाती है। अखिलेश अपने पिता की विरासत और आने वाले भविष्य को मजबूत करने के लिए आजमगढ़ सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, तो वहीं उनके खिलाफ दिनेश लाल यादव ने उन्हें चैलेंज करते हुए चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।